बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। तो आज की क्लास में हम बैक्टीरिया को क्लासिफाई करेंगे ऑन डिफरेंट बेसिस। सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन कौन सी बेसिस पे हम बैक्टीरिया को क्लासिफाई कर सकते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया, वी कैन क्लासिफाई बैक्टीरिया ऑन द फॉलोइंग बेसिस। सबसे पहले जो हम बैक्टीरिया को क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजेला, और सेकेंडली हम क्लासिफाई कर सकते हैं बैक्टीरिया को ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी, और थर्ड हम कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट। तो बेसिकली बैक्टीरिया को ग्रुप्स में हमने डिवाइड करना है तीन बेसिस पे। सबसे पहले फ्लैजेला की बेसिस पे, सेकेंडली मॉर्फोलॉजी की बेसिस पे, और थर्ड न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट्स की बेसिस पे। तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजेला को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज़ फ्लैजेला। फ्लैजेला इज़ अ कंपोनेंट ऑफ बैक्टीरियल स्ट्रक्चर विच हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ बैक्टीरिया फ्राम वन सेल टू एन अदर। ठीक है, ये बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर कंपोनेंट है फ्लैजेला, और ये बैक्टीरिया को हेल्प करता है मूवमेंट में, कि बैक्टीरिया एक सेल से दूसरे सेल में जब होस्ट में इन्वेड करता है तो बेसिकली विद द हेल्प ऑफ फ्लैजेला ही करता है। और बैक्टीरिया की बेस फ्लैजेला की बेस पे हम बैक्टीरिया को फाइव मेजर क्लासेस में क्लासिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज़ मोनोट्राइकस बैक्टीरिया। ठीक है, मोनो मीन्स वन, ट्राइकस मीन फ्लैजेला। तो ऐसे बैक्टीरिया जिनके पास एक ही फ्लैजेला हो उसको हम कह सकते हैं मोनोट्राइकस। ये आप डायग्राम में भी देख सकते हैं कि इसमें बैक्टीरिया की डायग्राम है विद वन फ्लैजेला। ठीक है, बैक्टीरिया हैविंग सिंगल फ्लैजेला एंड वन एंड ऑफ सेल। ठीक है, तो इसकी जो एग्जांपल है वो है हमारे पास विब्रियो कॉलरा। सेकंड है लोफोट्राइकस, और बैक्टीरिया हैविंग बंडल ऑफ फ्लैजेला एट वन एंड ऑफ द सेल। ठीक है, ऐसे बैक्टीरिया जिनके पास बंडल ऑफ फ्लैजेला होते हैं लेकिन एक एंड पे, उनको हम कहते हैं लोफोट्राइकस। और इसकी जो एग्जांपल है वो है पी फ्लोरेसेंस। ठीक है, और आप डायग्राम में भी देख सकते हैं कि ये आपको सेट ऑफ फ्लैजेला नज़र आ रहा होगा और वन साइड ऑफ द बैक्टीरियल सेल। ठीक है, और इसको कहते हैं लोफोट्राइकस। थर्ड है हमारे पास एम्फीट्राइकस बैक्टीरिया। बैक्टीरिया हैविंग सिंगल और क्लस्टर ऑफ फ्लैजेला एट बोथ एंड ऑफ द सेल। ठीक है, ऐसे बैक्टीरिया जिनके बोथ एंड पे फ्लैजेला होंगे। ठीक है, वो एक या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, ऐसे बैक्टीरिया को हम कहते हैं एम्फीट्राइकस बैक्टीरिया। और इसकी जो एग्जांपल है वो है एक्वास्पेरलियम, एक बैक्टीरिया है जो कि एग्जांपल है हमारे पास एम्फीट्राइकस की। नेक्स्ट है पेरिट्राइकस बैक्टीरिया। बैक्टीरिया हैविंग फ्लैजेला ऑल ओवर द बॉडी। ठीक है, बॉडी सरफेस, जिस ऐसा बैक्टीरिया जिसकी होल बॉडी पे फ्लैजेला होंगे उसको हम कह सकते हैं पेरिट्राइकस। और इसकी एग्जांपल है वेल नोन एग्जांपल ईकोलाई। ठीक है, उसकी पूरी बॉडी पे फ्लैजेला होते हैं, और ये आप डायग्राम में भी दे सकते हैं कि बैक्टीरियल सेल की होल बॉडी कवर है विद फ्लैजेला। नेक्स्ट है एट्राइकस। ठीक है, ऐसे बैक्टीरिया जिनके पास फ्लैजेला नहीं होता उनको हम कह सकते हैं एट्राइकस, बैक्टीरिया विदाउट फ्लैजेला। ठीक है, और इसकी एग्जांपल है हमारे पास शिगेला। ठीक है, तो देखें अब इससे क्या बात समझ आती है हमें, कि ऐसे बैक्टीरिया जो मूव नहीं कर सकते, इमोटाइल होते हैं, मोटाइल नहीं होते, वो कौन से होंगे, एट्राइकस होंगे। मीन्स उनके पास जब फ्लैजेला है ही नहीं तो वो मूव नहीं कर सकेंगे। अगर हम पांचों टाइप्स को याद करने के लिए ये एक स्लाइड हम देख लें तो हमें समझ आ जाएगी। देखें, सबसे पहले हमें एट्राइकस बैक्टीरिया, बैक्टीरियल सेल बगैर फ्लैजेला के। सेकंड है मोनोट्राइकस, मींस के बैक्टीरिया विद वन फ्लैजेला। उसके बाद एम्फीट्राइकस, बैक्टीरिया विद फ्लैजेला ऑन बोथ एंड्स। और लोफोट्राइकस, ठीक है, सेट ऑफ फ्लैजेला ऑन वन एंड। उसके बाद पेरिट्राइकस है जो ऐसे बैक्टीरिया जिनकी पूरी बॉडी सरफेस पे, ऐसे बैक्टीरिया जिनकी पूरी बॉडी सरफेस पे फ्लैजेला प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है सेकंड बेस पे हम कह सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, कौन कौन सी मतलब न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट्स पे हम बैक्टीरिया को कौन कौन से कितने ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है,
तो सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ न्यूट्रिशन बैक्टीरिया आर डिवाइडेड इनटू टू मेजर ग्रुप, ठीक है। दो मेजर ग्रुप्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज़ ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया एंड सेकंड वन इज़ हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेंगे ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया को, ठीक है। ऐसा ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया जो अपनी फूड खुद इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स या सब्सटेंस को यूज़ करके अपनी फूड या कार्बोहाइड्रेट्स खुद प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है, सिंथेसाइज कर सकते हैं। ऐसे ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया को हम कहेंगे ऑटोट्रॉफ बैक्टीरिया। दिस ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया सिंथेसाइज देयर ओन फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक वाटर वगैरह को यूज़ करके और सनलाइट को और इन चीज़ों को यूज़ करके ये अपनी खुराक खुद प्रिपेयर कर सकते हैं। ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया को हम दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज़ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया एंड सेकंड वन इज़ कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। सबसे पहले हम फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया को देख लेते हैं। सिंथेसाइज देयर कार्बोहाइड्रेट्स आर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट बाई फोटोसिंथेसिस, ठीक है। फोटोसिंथेसिस के ज़रिए ये अपनी खुराक को प्रिपेयर करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है। और इसकी जो हमारे पास एग्जांपल है वो है पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, ठीक है। ये एक बैक्टीरिया है जो अपनी जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं या डाइट है या फूड है वो खुद बना सकता है, प्रिपेयर कर सकता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया की सेकंड एग्जांपल है हमारे पास, सेकंड टाइप है हमारे पास कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, ठीक है। ये ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया दे गेट एनर्जी फ्राम द ऑक्सीडेशन ऑफ सर्टेन इनऑर्गेनिक केमिकल, ठीक है। ये ऑक्सीडेशन के प्रोसेस से अपनी जो फूड है वो प्रिपेयर कर सकते हैं और डिफरेंट केमिकल रिएक्शन के थ्रू अपनी खुराक जो है ये हासिल कर सकते हैं या प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। और इसकी जो एग्जांपल है हमारे पास बेसिलस हैं, जो रॉड शेप बैक्टीरिया हैं, मोस्टली बेसिलस एंथ्रास है, बेसिलस सीरस है, ठीक है। ये डिफरेंट स्पीशीज़ हैं बेसिलस की। तो ये अपनी जो खुराक है या जो न्यूट्रिशन है ये कीमोसिंथेटिक मैकेनिज़म के थ्रू इनऑर्गेनिक केमिकल को यूज़ करके हासिल करते हैं। नेक्स्ट है हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया। एज वी नो दैट हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया वो वाले बैक्टीरिया होते हैं जो अपनी खुराक को खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते बल्कि रेडीमेड फूड पे या खुराक पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। दीज बैक्टीरिया ऑब्टेन देयर रेडीमेड फूड फ्रॉम ऑर्गेनिक सब्सटेंस लिविंग और डेड, ठीक है। जो लिविंग और इसकी जो बेस्ट एग्जांपल है हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया की वो वाले बैक्टीरिया इसमें आ जाते हैं जो डीकम्पोजिशन के प्रोसेस में जो नॉन लिविंग या डेड एनिमल प्लांट्स वगैरह की डीकम्पोजिशन करते हैं बैक्टीरिया वो हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया होते हैं। वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस को यूज़ करके अपनी जो लाइफ साइकिल है उसको कंप्लीट करते हैं, ठीक है। और अगर हम हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया को क्लासीफाई करें तो वी कैन क्लासीफाई हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया इनटू थ्री टाइप्स, ठीक है। जो सबसे पहले है वो है सेप्रोफेटिक बैक्टीरिया, ठीक है। और सेप्रोफेटिक बैक्टीरिया दे ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम डेट्राइटस, ठीक है। जो डेड ऑर्गेनिक मटेरियल है लाइक प्लांट्स हैं एनिमल हैं ये उनको यूज़ करके अपनी सेप्रोफेटिक बैक्टीरिया अपनी डाइट हासिल करते हैं। नेक्स्ट है पैरासिटिक बैक्टीरिया, ठीक है। ये ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो किसी लिविंग होस्ट पे रहते हैं और उससे अपनी फूड हासिल करते हैं, ठीक है। दे लिव ऑन अदर ऑर्गेनिज्म कॉल्ड होस्ट, ठीक है। जिन ऑर्गेनिज्म पे ये रहते हैं उनको हम होस्ट कहते हैं और होस्ट से फ्रॉम विच दे ऑब्टेन फूड, ठीक है। जो पैरासिटिक बैक्टीरिया की एग्जांपल है वो है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जो कि एक वेल नोन बैक्टीरिया है और कॉजेटिव एजेंट है ट्यूबरक्लोसिस का, टीबी का कॉजेटिव एजेंट है। और थर्ड जो हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया की टाइप है उसको हम कहते हैं सिम्बियोंट्स, ठीक है। और सिम्बियोंट्स ऐसा ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया है जो कि म्यूचुअल बेनिफिट के तौर पे रहता है, ठीक है। किसी दूसरे लिविंग में म्यूचुअल बेनिफिट यानी बैक्टीरिया को खुद को भी फ़ायदा हो रहा होता है और दूसरे जो जिस होस्ट सेल में वो अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट कर रहा होता है उसको भी
फ़ायदा पहुंचा रहा होता है। अगर हम इसको देखें तो हम कह सकते हैं कि दे लिव इन सिम्बियोटिक एसोसिएशन विद और अदर प्लांट्स फॉर म्यूचुअल बेनिफिट। और जो इसकी एग्जांपल हैं सिम्बियोंट्स बैक्टीरिया की, वो है राइजोबियम बैक्टीरिया, एक स्पीशीज़ हैं और इसमें काफ़ी सारे बैक्टीरिया आ जाते हैं और ये प्लांट्स के साथ म्यूचुअल बेनिफिट के तौर पे रहते हैं और इसको हम कहते हैं सिम्बियोंट्स। और आज के लेक्चर में हमने दो बेसिस पे बैक्टीरिया को क्लासिफाई किया, फर्स्ट फ्लैजेला की बेसिस पे और सेकंड न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट की बेसिस पे। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में बैक्टीरिया को क्लासिफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉर्फोलॉजी। और इंशाल्लाह इस लेक्चर को भी हम थोड़ा सा रिवाइज़ करेंगे ताकि आपको बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन की अच्छी तरह से समझ आ जाए नेक्स्ट लेक्चर में। देन अल्लाह हाफिज़। और अगर कोई क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।